झीरम घाटी कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार झीरम घाटी नक्सली हमले की जांच अब छत्तीसगढ़ की पुलिस करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की अपील को खारिज कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अब जाँच होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और उस निर्णय के लिए स्थानीय पुलिस को जांच के लिए आदेशित किया है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो ये है, भूपेश जी शायद घूम रहे हैं ना, ये जांच का आदेश जब दिल्ली में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री के रूप में शिंदे जी थे, उस समय एनआईए जांच की बात हुई थी और उन्होंने आदेश किया था। और जिस 5 साल की सरकार कांग्रेस की आ रही, जो व्यक्ति जेल में प्रमाण होने की बात 5 साल से करता रहा, 5 साल तक उन्होंने उस सारे दस्तावेज को जेब से बाहर ही नहीं निकाला। यदि आपके पास कुछ सबूत है तो सबूत को छुपाना भी अपराध है। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इसमें तत्काल इस पर जाँच भी होगी और जो दोषी होगा उस षड्यंत्र को निश्चित रूप से देश के सामने लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में सवाल उठाया, हंगामा हुआ, बहुत हंगामा हुआ, तो रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि मैं सीबीआई जांच करवाऊं, राज्य की सरकार जो है सीबीआई जांच करवाएगी। उसको नोटिफाई कर दिया गया, केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया गया। दिसंबर 2016 में भाजपा की छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने ये केंद्र को पत्र भेजा, कोई जवाब नहीं। सीबीआई जांच शुरू ही नहीं हो रही है, शुरू ही नहीं हो रही है। तो मार्च 2017 में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे भूपेश बघेल जी, उन्होंने एक पत्र लिखा रमन सिंह जी को कि वो सीबीआई जांच का क्या हुआ बता दीजिए, नहीं ये झीरम कांड, उसका कोई जवाब नहीं आया। 2018 में चुनाव हो गए और चुनाव के परिणाम आते तक रमन सिंह जी इस मामले में चुप रहे कि सीबीआई जांच का क्या हुआ। जब हमारी सरकार आई, फाइलें खुली, तब जाकर मुख्यमंत्री जी को और हमारी सरकार को पता चला कि सीबीआई ने तो तभी मना कर दिया था, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सूचित कर दिया था कि ये मामला सीबीआई जांच के योग्य नहीं है, एनआईए ने जांच कर ली है, वो पर्याप्त। तो सवाल ये है कि रमन सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए ये बात प्रदेश की जनता से क्यों छुपाई? ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी। अगर छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, राजनीतिक हत्याकांड हुआ है, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि उन्होंने सीबीआई जांच की अगर घोषणा की थी और सीबीआई जांच अगर सीबीआई ने मना कर दिया, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो बताते प्रदेश की जनता को, पर उन्होंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, ये बात आज भी, ये प्रश्न आज भी खड़ा हुआ है, ये बात आज भी पूछी जा सकती है और रमन सिंह जी को जवाब देना चाहिए कि ये बात क्यों छुपाई उन्होंने।